अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन अपने मेज़बान अशरफ राही के साथ। नाज़रीन, आज इस वक्त हम मौजूद है मशहूर सैद अफजा मुकाम टंगमर्ग में, जहां पे आज सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस बर्फबारी से कहीं ना कहीं यहां के मुकामी लोगों में भी एक उम्मीद की किरण जाग उठी है कि इस बर्फबारी के इनके रोज़गार में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। और वही जब हम बात करेंगे टूरिस्टों की, तो टूरिस्ट भी दूर दराज इलाकों से आए हुए टूरिस्ट भी इसमें खूब इंजॉय करते हुए नज़र आए हैं और इस खूबसूरत मौसम का लुत्फानंदाज होते हुए नज़र आए हैं। मज़ीद इस ज़मन में हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ आए हुए टूरिस्टों से। आपसे जानना चाहेंगे, पहले आप सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हो। मैं मुन्ना गौली, महाराष्ट्र से हूँ जी, और कुछ साथी मेरे जबलपुर से भी है, MP से और UP से भी है जी। हम जो गुलमोहर में आज जो आए हैं, तो लाइव स्नोफॉल आज आपको देखने को मिला, कैसा बहुत अच्छा महसूस हो रहा है? आज तक हमने ऐसा स्थान देखा नहीं। ये कश्मीर में जो गुलमोहर है, जो बर्फ़ें गिर रही है, ये वादियाँ बहुत पसंद आई और सभी टूरिस्ट अच्छे से अपना टूर करना चाहिए और सभी लोगों ने इसका बर्फ़ का मज़ा लेना चाहिए। क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से बाकी टूरिस्टों के लिए जो अभी तक कश्मीर नहीं आए हैं? हाँ। या किसी वजह से कुछ टूरिस्ट के दिल में अभी भी डर है? हाँ। कि कश्मीर में माहौल ठीक नहीं है, आतंकवाद है या कोई और चीज़ है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे खुद आए हो, आपने यहाँ पर खुद देखा है, तो कैसा लगा आपको कश्मीर में, कैसा माहौल है टूरिज्म के लिए? सर जी, हम पहले जम्मू उतरे, जम्मू से कश्मीर आए, हमको जम्मू में जो इंसान मिले उसमें कोई जाति भेद नहीं है। जम्मू में जाति भेद नहीं है, कश्मीर में जाति भेद नहीं है, यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है, यहाँ पे सब इंसान है और इंसान की तरह सबसे बिलो आते हैं। और यहाँ पे ऐसा जो आने वाले जो यानी पॉलिटिक्स पार्टी है, वो लोग केवल बातों का भड़ंगड़ बनाते हैं, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे जो भी लोग मिले हमारे को बहुत अच्छे मिले। भाई बंदियों से रहना, भाई बंदियों के साथ में चलना, अच्छी बातें करना, ये नेता लोगों का काम है। हिंदू मुस्लिम में लड़ाना ऐसी नहीं होना चाहिए। हम साथ साथ में रहेंगे, हम भारतीय हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय हिंद। सर, हमारा नाम अरविंद है। अरविंद है, कहाँ से? हम जबलपुर से आए हैं, हमको यहाँ घूमने, जबलपुर मध्य प्रदेश से यहाँ घूमने से हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको ये? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने आज तक यहाँ से घूमना नहीं है, जहाँ घूम रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी किसी चीज की कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब घूमा, बहुत अच्छा अच्छा स्नोफॉल का आपने अच्छी तरह मजा लिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, गुलमर्ग घूम के आए या आप जाना? अभी जा रहा हूँ गुलमर्ग, अभी जाना का भी जा रहा है। तो गाड़ियों की कुछ दिक्कत आपको यहाँ पर लगी? क्योंकि आपका जो आप जिस गाड़ी से श्रीनगर से यहाँ तक आए हैं, उस गाड़ी को यहीं रोक दिया गया है। आगे आपको खाली चैन वाली गाड़ी चलेगी जी, आगे खाली चैन वाली गाड़ी चलेगी। कुछ दिक्कत, कोई टाइम वेस्ट आपका तो नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, हम अपनी गाड़ी से वहाँ से आए थे, अब यहाँ से चैन वाली गाड़ी लेंगे, तो गुलमर्ग घूमने के लिए जाएंगे। बात कर रहे थे हमारे साथ यहाँ पर आए हुए कुछ टूरिस्ट, जो इस खूबसूरत मौसम का लुत्फानंदाज होते हुए हमारे साथ बात कर रहे थे और इस खूबसूरत मौसम मैं खूब इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज लाइव स्नोफॉल देखने को मिला है टूरिस्टों को। और टूरिस्टों का भी यही कहना है कि हमने इससे पहले ऐसा नज़ारा कभी भी नहीं देखा था, आज जैसा नज़ारा मिला है यहाँ पर। इस रिपोर्ट के साथ कश्मीर क्राउन के लिए मैं अशरफ राही, टंगमर्ग। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS, specialized for college going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.